गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी होंगे फिट एंड फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल, जो बच्चे क्लास 12th के हैं और एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में, कब 2024 में, उसके लिए ये शानदार सा मैं एक स्पेशल वीडियो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज पेपर का लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं दो लैंग्वेज पेपर की बात करूँगा। पहला है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। इसमें हम लोग पहले देखेंगे इंग्लिश का, पहले देखते हैं और उसके बाद हिंदी का देखेंगे। आखिर आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपका बैच का टाइमिंग क्या होगा और आपके लिए ऑब्जेक्टिव का क्या प्रोग्राम रखे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश स्पेशल हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए इंग्लिश से। इंग्लिश का सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इंग्लिश में पहले आपको क्या क्या बताया जाएगा और क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे 100 मार्क्स का आपने इंग्लिश रखा होगा और हिंदी का भी 100 मार्क्स आपका होगा, टोटल होता है 200 मार्क्स। इस 200 मार्क्स में आप लोगों को पूरे 200 में 200 मार्क्स आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और जो जिस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन बैंक का भी तैयारी करवाया जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश में आपको क्या क्या बताया जाएगा। इंग्लिश में होता है क्या है, दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक पहला आता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा आता है सब्जेक्टिव। तो इसीलिए हम लोगों को पढ़ना दोनों है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव को भी हमने दो भागों में बांटा है और सब्जेक्टिव को भी हमने दो भागों में बांटा है। सब्जेक्टिव को हमने ग्रुप ए नाम दिया है और इसके बाद ग्रुप बी है जो ग्रामर सेक्शन होता है। क्योंकि आपके जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो दो तरह के आता है, एक आता है बुक सेक्शन से और दूसरा आता है आपके ग्रामर सेक्शन से। तो हम लोग पहले दोनों के देखेंगे। ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कभी कभी बिहार बोर्ड करता है क्या, 50 क्वेश्चन आपको उत्तर देना होता है जिसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 50 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लेकिन आपको मैं उस लेवल पे तैयार करवाऊंगा जो आपको 60 में 60 क्वेश्चन आपको बनेगा। अगर आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको इतना तैयार करवा दूंगा जो 100 में 100 क्वेश्चन आप बनाएंगे, लेकिन आपको उत्तर देना है केवल 50 क्वेश्चन का। तो एक एक चीज देखेंगे और एक एक चीज समझेंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए अलग व्यवस्था है, आपका जो सब्जेक्टिव है उसके लिए अलग व्यवस्था है। सब्जेक्टिव में भी आता है ग्रामर से भी और बुक से भी। तो ग्रामर में जो है अलग है आपका, और बुक में पहले देखते हैं दो तरह का बुक रहेगा। एक पहला रहेगा आपका रेनबो पार्ट टू, जिसमें आपका 11 चैप्टर जो है प्रोज सेक्शन से है और 10 चैप्टर पोएट्री सेक्शन से है, और आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जिसमें 6 चैप्टर ऐसा है जिससे लगातार बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको क्वेश्चन बैंक का भी तैयारी करवा जाएगा एक एक चैप्टर अलग अलग करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेनबो पार्ट टू में प्रोज सेक्शन और दूसरा है पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, पोएट्री सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव का हमारा क्या प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव पे आप कैसे अच्छा से अच्छा कमांड करें, हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका आता है यहाँ पर प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। अब हम लोग देखते हैं प्रोज सेक्शन में क्या क्या आता है और पोएट्री में क्या क्या आता है। प्रोज को भी देखना है और पोएट्री को भी देखना है। तो इसमें पहले देखेंगे, सबसे पहले जितना भी आपका प्रोज और पोएट्री है टोटल का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जितना भी आपका इंग्लिश में है बुक में 11 प्रोज सेक्शन से और 10 पोएट्री सेक्शन से, टोटल का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। और दूसरा जो आता है उसके बाद इसी चैप्टर का आपका आएगा समरी, जो 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो समरी सबका देखेंगे, और सबसे खास बात यह रहेगा समरी में, जिस भी चैप्टर का आपको समरी देंगे उस समरी का हिंदी भी देंगे, 5 लाइन हिंदी 5 लाइन इंग्लिश, 5 लाइन इंग्लिश 5 लाइन हिंदी, इस तरह का ग्रुप पेयर बना हुआ रहेगा, किसका, समरी का। और उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा तो फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर में आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपके जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ये दिया जाएगा। और उसके बाद आपको आता है शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हर एक चैप्टर में डिटेल में एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। उसमें आपको खास बात यह रहेगा,
इसमें होता है क्या, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग, बिहार बोर्ड वाले स्पेशल जो बच्चे होते हैं उसको सबसे ज्यादा दिक्कत आता है इंग्लिश से हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश तो वो समझ में आ जाती है बट उसका हिंदी समझ में नहीं आ पाता है डिटेल में, इसीलिए हमने क्या किया है, स्पेशल शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो सबका हमने क्या किया है, पहले क्वेश्चन दिया है उसके बाद इंग्लिश में आंसर दिया है, फिर उसी क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको एक एक करके अलग से दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर स्पेशल पिछले 5 साल में बिहार बोर्ड ने आपको क्या क्या पूछा है आपके उसी चैप्टर में, सपोज आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर है तो उसी चैप्टर में बिहार बोर्ड ने क्या क्या पूछा है उस चैप्टर पे एक एक डिटेल पिछले 5 साल में एक एक क्वेश्चन में ऐड किया हूं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन हो, हर एक को मैंने अलग से छांट के दिया हूं। और उसमें खास बात स्पेशल ये है, इसमें अगर वो 2015 का है तो मैंने यहाँ पे स्पेशल ऐड किया है, ये आपका साइंस में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एक चैप्टर जितना आपका प्रोज है टोटल 11 और 10, प्रोज और पोएट्री दोनों में इस तरह का सेम चीज आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपका आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर में क्या क्या है। ग्रामर में आपका टोटल आता है 16 चैप्टर, जो 16 चैप्टर में 14 चैप्टर ऐसा है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं ये 2 चैप्टर जिससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और कभी क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको हथियार चलाना है तो केवल एक हाथ से हथियार चलाएंगे, जी नहीं, आपको अगर हथियार चलाना है ना तो दोनों हाथों का एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर मैदान में जाए इस हाथ में अगर मुझे चोट लग गया तो ये नहीं कि यह हाथ से हम लड़ नहीं पाएंगे, इस हाथ से भी हम लोग युद्ध कर सकते हैं और अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। इसीलिए हमने उस चैप्टर को भी ऐड किया है जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, जिस क्वेश्चन जब कभी कभी आते हैं क्वेश्चन और कभी नहीं भी आते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला है आर्टिकल, दूसरा है मोडल्स, तीसरा है सिंटैक्स, और चौथा है आपका टेंस, और पांचवा है आपका वॉइस, छठा है नरेशन, फिर आता है प्रीपोजिशन, फिर जेरंड, फिर आता है कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन, उसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन, उसके बाद आता है एडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद आता है स्पेलिंग टेस्ट, लास्ट में आता है सिनोनिम एंड एंटोनिम। तो हम लोग देखेंगे एक एक चैप्टर को और एक एक का प्रैक्टिस सेशन। अगर हम बात करें तो हर एक चैप्टर में 25 क्वेश्चन सेट ए में रहता है, एक सेट देंगे आपको और उस सेट में रहेगा टोटल 25 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस, आपका चैप्टर खत्म होता है, सपोज आपका आर्टिकल चल रहा है, आर्टिकल खत्म होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन देंगे आपको 25 क्वेश्चन का, 25 आपने बनाएंगे और उसके बाद इसी 25 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। आपने अगर यहाँ पर ए लगा है तो ए क्यों लगा है, उसके पीछे रीजन क्या है, एक एक चीज को देखेंगे और इस तरह का आपको 2 प्रैक्टिस सेट देंगे और टोटल होता है 25 और 25। टोटल एक चैप्टर में ग्रामर में मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन, क्योंकि क्रैश कोर्स वाले बच्चे के पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास टोटल 100 डेज रहेगा और इस 100 डेज में हमको पूरा बुक पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है और लास्ट में सजेशन भी पढ़ना होता है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा स्पीड में पढ़ना होता है यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस जो होता है यहाँ पर कम होता है। लेकिन जो बच्चे 12th में आते हैं स्टार्टिंग में, जो पूरा कोर्स करते हैं 12th का, उसको एक चैप्टर में टोटल 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, मतलब वहां पर आप लोग 5 से 6 सेट बनाते हैं, 200 से 250 क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं और आप जो बनाएंगे यहाँ पर केवल 50 क्वेश्चन बनाएंगे। इस 50 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन में रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव सेशन और आपका सब्जेक्टिव सेशन। पिछले बिहार बोर्ड ने 2009 से लेकर के क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। अगर आपने टेंस पढ़ रहा है तो टेंस आपका खत्म हुआ, उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश का 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 25-25 क्वेश्चन का 2 सेट। उसके बाद 2009 से बिहार बोर्ड ने टोटल अभी 2023 तक का टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ टेंस चैप्टर से, उसके बाद टोटल उस टेंस में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक एक पे डिटेल में हम लोग समझेंगे। उसके बाद आपका आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में हम लोग देखेंगे ये ग्रुप बी में क्या क्या है। पहला आता है आपका एसआई। एसआई जो होता है ये 8 मार्क्स का होता है। एसआई आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहेगा जिसमें उत्तर देना है केवल एक का, जो 8 मार्क्स रहेगा। उसके बाद रहेगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो रहेगा प्रोज सेक्शन से भी रहेगा और पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा। प्रोज सेक्शन से जो रहता है उसका रहेगा 4 मार्क्स और पोएट्री सेक्शन का भी रहेगा 4 मार्क्स। तो इसीलिए हमने क्या किया है, आपका जो भी चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिसमें 2 से 3 आपका पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। पिछले 5 साल में
पिछले 5 साल में जो बिहार बोर्ड आपका पूछा गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में और साथ में उसका एक एक डिस्कशन करवाएंगे, प्रोज सेक्शन में भी और पोएट्री सेक्शन में भी। उसके बाद आता है आपका लेटर अप्लीकेशन, या तो लेटर रहेगा या तो फिर अप्लीकेशन रहेगा, या फिर दोनों रहेगा। दोनों में से उत्तर देना है केवल एक का आपको, जो आता है आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का रहता है और 5 क्वेश्चन रहता है, टोटल होता है 10 मार्क्स। और उसके बाद आता है प्रोज का या फिर पोएट्री का, दोनों में से किसी एक का आपको समरी पूछा जाएगा, या फिर दोनों रहेगा जिसमें किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा एक, जो 5 मार्क्स का होता है। और लास्ट में रहता है आपका मैथ्स पोइम एंड पोइट का नाम, उसमें आपको रहेगा 5 मार्क्स। और लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में ट्रांसलेशन, जो 10 क्वेश्चन रहेगा और जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। तो टोटल इसमें से रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद आता है प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, लॉन्ग क्वेश्चन, मैथ्स पोइट एंड पोइट नेम, और उसके बाद आता है ट्रांसलेशन। ये मतलब आता है टोटल आपका 5। 5 में से उत्तर देना है केवल 3 का, 3 × 5 करें तो आपका आता है टोटल 15 मार्क्स, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका पैसेज और प्रीसियस राइटिंग, जो 4 मार्क्स का होता है। अगर टोटल आपकी हम बात करें ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके सब्जेक्टिव में, तो ये हो गया 8 मार्क और 4 मार्क्स, और ये 4 मार्क्स, 8 + 4 + 4, और इसमें प्लस कर लीजिए 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 15 मार्क्स। और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा इसमें रहेगा 15 मार्क्स, और प्लस कर लीजिए 15 मार्क्स, कितना हो गया 15 15 30 4 34 4 38 8 8 8 16, टोटल होता है 46। और लास्ट में 4 मार्क्स आपका प्रीसियस राइटिंग, ये कितना हो गया 50 मार्क्स। ये रहा 50 मार्क्स सब्जेक्टिव का और 50 रहा आपका ऑब्जेक्टिव का, यानी टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट सेशन आपका हिंदी का क्या क्या है। हिंदी में हम लोग देखते हैं, हिंदी में भी 2 तरह का रहता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में रहता है 2 तरह का, या तो कभी 60 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 50 का आपको उत्तर देना होता है, और या तो कभी रहेगा 100 क्वेश्चन जिसमें से आपको उत्तर देना है केवल 50 का, या रहेगा 60 जिसमें उत्तर देना है केवल 50 का। लेकिन आपको इस लेवल पे हम तैयार करेंगे, इस लेवल पे आपको बताएंगे, इस लेवल पे आपका जो है टेस्ट लेंगे, जो आपको कभी दिक्कत नहीं आए। अगर आपको 60 क्वेश्चन रहेगा तो इतना मेरा गारंटी है आप 60 में 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर देना है केवल 50 क्वेश्चन का। तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन फ्री रहिए और सब्जेक्टिव के लिए टेंशन फ्री है। क्यों? क्योंकि आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, आते हैं ग्रुप ए में। सब्जेक्टिव का जो होता है ये आपका 2 तरह का रहता है, इसमें रहता है व्याकरण से भी क्वेश्चन और बुक से भी क्वेश्चन। ग्रुप ए पहले देखते हैं जिसमें व्याकरण आता है, जिसमें व्याकरण में टोटल आपको 11 टॉपिक होता है, और बुक है उसके बाद। बुक में भी आता है 13 और प्लस 13, इसमें भी है 13 प्रोज से और 13 पोएट्री से, गदखंड और पदखंड से भी, दोनों से रहेगा, इससे भी 13 और इससे भी 13। उसके बाद पहले ग्रामर का हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। आपके सामने टॉपिक है, पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, लिंग निर्णय, समास, पर्यायवाची शब्द, विपर्यार्थक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक एक चैप्टर आपके बिहार बोर्ड ने पिछले 5 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और आपको जो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करवाएंगे वो रहेगा आपका 2009 से हमारा सफर चलेगा 2023 तक का क्वेश्चन बैंक का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में क्या क्या है बुक में। बुक में पहले देखिए आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बुक में जो पढ़ाया जाएगा वो रहेगा आपका टोटल बुक से, सबसे पहले जितना भी चैप्टर आपका है, 13 प्रोज सेक्शन से और 13 पोएट्री सेक्शन से, गदखंड से भी और पदखंड से भी। इसमें रहेगा सबसे पहला फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एक एक चैप्टर में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या राइटर बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या बताया गया है, उसका जर्नी रिकॉर्ड क्या क्या है, हर एक चीज को देखेंगे। उसके बाद आता है आपका सारांश, हर एक चैप्टर टोटल 26 है, 26 का 26 हम सारांश भी देंगे, जिसको आप अंग्रेजी में समरी बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं हिंदी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हर एक चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चन रहेगा, मिनिमम 40 मैक्सिमम 50, किसी किसी चैप्टर में है 1-2 जिसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव है वो 55 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आता है आपका लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप अंग्रेजी में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। और लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन बैंक, इसी चैप्टर से पिछले 5 ईयर का
आपको क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपका पहला चैप्टर है सपोज बातचीत, तो इस बातचीत में पिछले 5 साल में बिहार बोर्ड ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सेशन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन का हो, जिसको आप व्याख्या बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आता है आपका निबंध जो 8 मार्क्स का होता है, जिसको आप अंग्रेजी में एसआई बोलते हैं। अब आता है व्याख्या, जिसको आप अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, ये आपका 8 मार्क्स का होता है। ये दो तरह का रहेगा, गद्य खंड से भी और पद्य खंड से भी। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। दो क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का। टोटल आपको ये दिया जाएगा 2, जो उसमें उत्तर देना है 1, फिर इसमें भी रहेगा 2, उसमें उत्तर देना है 1। उसके बाद आता है आपका पत्र और आवेदन, जिसको आप लेटर एंड एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ये आपका हिंदी में रहता है 5 मार्क्स का। उसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपका टोटल 5, जो मार्क्स रहेगा 2 और टोटल होता है 10 मार्क्स। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा टोटल 5, टोटल 3 और रहेगा कितना, 5 मार्क्स का। अगर गुना करें तो ये आता है 15 मार्क्स। और लास्ट में अगर हम देखें संक्षेपण, ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का। अगर हम मार्क का काउंट करें टोटल, तो ये आता है आपका 8 और इसमें रहेगा 4 4 8, 8 8 16 और ये आता है 5 21 और ये 10 31 और इसमें ऐड कर लीजिए ये 15 लॉन्ग क्वेश्चन का 15 और इसमें ये लास्ट में चार कर लिए संक्षेपण, ये आता है कितना आपका 15 4 19 और ये आता है आपका 31, टोटल 50 मार्क्स का। और 50 मार्क्स का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। अगर दोनों को काउंट करेंगे तो आ जाता है आपका 100 मार्क्स। ये इस तरह हो गया आपका हिंदी का 100 मार्क्स, और इससे पहले मैंने आपको बताया डिटेल में जो इंग्लिश का था 100 मार्क्स। इस तरह आपको लैंग्वेज पेपर का तैयारी करवाया जाएगा हमारे यहाँ क्रैश कोर्स में, केवल 100 दिनों में आपको करवाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश का अलग क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है। आप बोलेंगे सर ये क्या खास बात है। हाँ, ये स्पेशल मिलने वाला है उन बच्चों को, जो बच्चे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में क्रैश कोर्स में एडमिशन लिया है। उसमें रहेगा आपका हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन अलग से, जो मैंने दिया उसके अलावा भी आपको मिलेगा। अब रहेगा आपका जो है 50 क्वेश्चन और इसमें रहेगा 65 क्वेश्चन। या तो किसी चैप्टर में 50 रहेगा या तो 65 रहेगा, या किसी में 55 रहेगा, मतलब 50 से स्टार्ट होगा 65 के बीच में रहेगा। किसी चैप्टर में आपको 65 भी मिल सकता है, किसी में 50 भी मिल सकता है, किसी में 55 भी मिल सकता है। ये 3 तरह का मैंने क्वेश्चन एडिट किया है। इसमें क्या रहेगा आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखिए इसमें स्पेशल क्या रहेगा। स्पेशल ये रहेगा, जो बच्चे इससे होता है क्या, आपका ऑब्जेक्टिव पे बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं, और कमांड वही करते हैं जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है अच्छा रिजल्ट रहेगा। इस तरह आपका खत्म होगा। और लास्ट में आपको बोर्ड पैटर्न पर 2 बार हमारे यहाँ टेस्ट होता है, एक जब आपका इंग्लिश खत्म होगा, एक जब आप हिंदी खत्म होगा। मतलब 2 बार लेंगे बोर्ड पैटर्न पे, सेंटर आपको दिया जाएगा। जिस तरह आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ओमार दिया जाता है, उस तरह ओमार दिया जाएगा, और उसी तरह क्वेश्चन रहेगा सेम बोर्ड पैटर्न पे, ताकि आपको लगे आपका क्या क्या कमी रह गया है। अगर उसमें जो अच्छा मार्क्स लाते हैं उसको हर एक टॉपर को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जो हमारे यहाँ का वो अभी नहीं बता सकते हैं, वो डिस्क्लोज करना हमारे डायरेक्टर सर का अलाउ नहीं है, इसीलिए हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे टॉपर होंगे उसको अच्छा गिफ्ट मिलेगा, और जो बच्चे वहां पर भी अगर गड़बड़ करते हैं उसके लिए हम लोग अलग से टाइम देंगे। उसके बाद भी कम से कम 1 मंथ समय रहता है जब लास्ट में हम लोग टेस्ट लेते हैं। आप अगर चाहे तो उस 1 मंथ में भी आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ये रहा हमारा सिलेबस और क्रैश कोर्स का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।